हाँ बुनियादी चीज इंसाफ है, मतलब दीनी इस्तेसाल लाओ, माशी इस्तेसाल लाओ, किसी भी सब में। अब जो कला की तहरीक है और जिस तरह आज़ाद अर्जी की तरह पेशकदमी हुई है, क्या ये आपको हौसला अफजा हालात में नज़र आती है? लेकिन जी आज़ाद अदलिया क्या है? क्या ये अदलिया जिसको हटाया गया था, इसके ज़माने में जितने फैसले हुए सब इंसाफ पे मबनी थे? ठीक है ना, सिर्फ आज़ाद अदलिया तो यही नारा है ना कि जी जो जज बनाया गया हमारी तरफ से उसको किसी कानून के तहत, मुल्क का कानून ये कहता है या जो भी कोई पावर किसी को नहीं मिलनी चाहिए कि उसको हटाए, क्योंकि इस तरह हम और मज़ीद तबाही की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर ये खुशफहमी हो कि आज़ाद इस अदलिया के आने से एक नया इनकलाब आ जाएगा तो कुछ भी नहीं हो जाएगा। वो बात एक शख्स ने की तो बड़ी अच्छी थी कि होगा क्या कि लाहौर में एक टांगे वाले को पुलिस वाला तंग करेगा और टांगे वाला चीफ जस्टिस को ख़त लिख देगा, चीफ जस्टिस फौरन सुबह मोटो एक्शन ये लेके तो उस पर ऊपर कार्रवाई शुरू कर देगा। अब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं कि टांगे वालों की बातें सुने, एक लोअर लेवल पर इनकलाब लाने की ज़रूरत होती है। वो आपके ये छः जज या सात जजों के बहाल होने से अगर इंकलाब आ जाएगा तो ये तो, और फिर ये वही लोग हैं ना जो पहले हटे थे। हाँ सवाल ये है कि इस ये लोग कोई नई चीज़ें आएंगी, कोई हिकमत अमली बदल गई है, चेहरे भी वही, हिकमत अमली भी वही हैं, कुछ देर के लिए उनको हटाया फिर दोबारा ले, क्या हुआ? अगर उनको पहले मौका मिला था ना, कौन सी अदलिया ने इंसाफ किया हुआ है? आपने बताया ना पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा दौर आया